तो भाई सांतरागाछी आ गए, बड़ा मेहनत था यार। पहले पूरी गरीब रथ कितना अच्छा हावड़ा से था, उन्होंने क्या किया कि शालीमार फेंक दिया, शालीमार पहुंच नहीं पाया तो सांतरागाछी आ गया लोकल से। तो अपना स्टार्टिंग का जो भी क्लिप था वो लोकल से ही था। अब चलते हैं, एक नंबर पे आना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, वहीं से पकड़ेंगे। चलो भाई, वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, इफ नॉट प्लीज ट्राई टू मेक इट आउट एनी पॉसिबल। ऊपर वाला जो लाइट था ना भाई, बहुत काम का था, अच्छा रोशनी आया। और सांतरागाछी में सिर सुनने मिले बहुत वियर्ड है, अभी सिर सुनाई दिया, बहुत अच्छा लगा। तो आज ट्रैवल कर रहे हैं 12881 में शालीमार पूरी गरीब रथ एक्सप्रेस। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत चीप है, इसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। और ये जस्ट वाइट देखो भाई, फुट ब्रिज का ये नया है तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा बनाना बहुत काम का है, जैसा भीड़ होगा उसके हिसाब से परफेक्ट है ये। पूरा सीजन पका है यार, क्योंकि आज होली है भाई साहब। तो इसका लोकोमोटिव यही था भाई, वैफ फोर। अब आगे जाने का फ़ायदा नहीं है, वो गाड़ी थोड़ी देर में खुल जाएगा, दो मिनट का ही हॉल्ट है यहाँ पे। 8:58 पे अराइवल था और 9 पे डिपार्चर है इसका। 8:45 पे शालीमार से खुला है भाई साहब। और अगले दिन हम लोग सुबह 5:10 पे पूरी पे होंगे, तो लोग चढ़ जाए आराम से, फिर अपना चलते हैं। और इस तरफ का ये जो हैलोजिन है ना भाई, भयंकर। और चांद दिख रहा है भाई, क्या खूबसूरत लग रहा है यार। इसमें आगे तरफ आपको G14 मिलेगा अगर आप पूरी जा रहे हो। और सपोज़ भाई साहब आप पूरी से शालीमार आ रहे हो तो G1 आ गया, G1, G2, G3 करके G14, 15 तक है इसमें। उसके बाद GD2 है, फिर लोको है, दैट्स इट। ट्रेन वाकई बहुत अच्छा है भाई, आपको तो मालूम है अब के टाइम पे तो गरीब रथ चालू ही नहीं कर रहा गवर्नमेंट भाई। और ये 130 वाला कोच है भाई, देखो वहाँ लिखा हुआ है, पर चलता नहीं है गाड़ी, समझ जाओ भाई परमिट नहीं कर रहा है, क्योंकि आराम से गाड़ी 130 पे चल सकता है ये। इंटीरियर में तो गाड़ी जब डिपार्ट करता है तब देखते हैं, और ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। और भाई साहब मिरर में तो फ्रेम लगा के रखा है इकोआर ने यार, चलो यार रिक्वायर कर देखिए, अच्छा लगा मुझे। मैंने इसका करंट में लिया था भाई साहब 550 पर, मुझे अनफॉर्चुनेटली चार्ट ओपन नहीं हो रहा था जो ICTC का होता है, अदरवाइज अगर वो ओपन हुआ होता तो मैं ऐसा कोच लेता जो पूरा वैकेंट रह रहा था। लेट इट बी भाई, इसके लिए 600 लगता है भाई साहब। एलपी साहब ईमानदार से 2 मिनट से ज़्यादा देर ही रुके। जी ICF का सबसे बेस्ट एक ही चीज़ लगता है भाई, AC वेंट्स। ये जो पुराना टाइप में होता है ना भाई, ये मेरा सबसे फेवरेट है। और नॉर्मली एक चार्जर है। अब गरीब रथ ये काफ़ी कंजस्टेड टॉय है भाई, ये बात सच है, पर प्राइस डिफरेंस भाई लोग को मजबूर कर देता है ट्रैवल करने के लिए। 3-tier इकोनॉमी आप ट्रैवल करो वो भी सेम काइंड ऑफ ऐसे ही है, बस उसमें साइड मिडिल नहीं है, बाकी थोड़ा सा नया कोचेस है तो काफ़ी अच्छा है ये, समझो भाई पुराना ICF है, पर ICF का भी एक विंटेज का बात अलग है। इंटीरियर मैं आपको सुबह दिखाता हूँ, जब पूरा फाका हो जाए ऑलमोस्ट, सब उतर जाए, फिर मैं अच्छे से आपको इंटीरियर दिखा दूँगा। मेरे हिसाब से साइड अपर बेस्ट है, ये साइड मिडिल है और साइड लोअर में देखो भाई तो ये गैप है, ये मेरे हाथ से आप गैप देख सकते हो भाई, जस्ट दिस वन। तो फिलहाल अभी हम लोग ग्लूबेरिया स्किप कर रहे हैं, और ये बात तो सच है भाई, आप इसमें बैठ नहीं सकते हो साइड मिडिल में, आपको सोना ही पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ICF के 3-tier में सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है यार, मानता हूँ स्पेसियस नहीं है, पर जब मैं सोया हूँ ना इट फील्स है भाई साहब, आप पैसे दिए और आप सही से जा रहे हो। ऐसे आपको एकमात्र गरीब रथ है जो चेन्नई गरीब रथ है जिसमें एक भी साइड मिडिल नहीं है, तो मैं उसका प्लान कर रहा हूँ, आप थोड़ा सपोर्ट करो, देन आई विल गो फॉर इट। और आप तो जानते हो कि मैंने अभी घर लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बजट टाइट करके मैं काम कर रहा हूँ, जो भी ब्लॉगिंग बोलो या कहीं घूमना बोलो। अब ये मत बोलना कि पैसा के कारण प्लीज भी अगर भी मैं ऐसे जा रहा है, नहीं ऐसा बात नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस लेना था और ये गाड़ी 110 पे ही चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली 130 होता तो एक अलग फील आता। Thank you.
मेरा 110 पे ही है, कोई बात नहीं 130 वाला करीब है, जल्दी कर लेंगे। पर 110 का भी अलग ही मज़ा आ रहा है भाई ICF में, ट्रैक साउंड भाई साहब। वैसे गरीब रथ में एक और चीज़ है भाई, आपको दो बेडशीट तो मिल रहा है, एक मैंने बिछाया है और एक यहाँ पर पड़ा हुआ है ये, पर आपको ब्लैंकेट नहीं मिल रहा भाई साहब। ब्लैंकेट वो जो था ना मोटा वाला ब्लैंकेट है यार, तो ब्लैंकेट है भैया। ब्लैंकेट के लिए आपको क्या करना होगा, जाना होगा अटेंडर के पास और बोलना होगा भैया ब्लैंकेट दो मेरे को, तो ब्लैंकेट देंगे। वो ब्लैंकेट जो दूर में दिख रहा ना मोटा वाला, जूम करके मैं दिखा दिया आपको, बस वही वाला भाई साहब। मेरे को ठंड लगेगा नहीं भाई, देखो इतना क्लोज है ये। सो इस 10:25 हम लोग ऑन टाइम अराइव कर रहे हैं। तो भाई 1 घंटा 40 मिनट इसको मिला है, ख़राब नहीं है मतलब। देखो यार शालीमार से खुला सांतरागाछी रुका, उसके बाद खड़गपुर, तो 1 घंटा 40 मिनट्स में 110 का स्पीड ख़राब नहीं था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रन अच्छा था इसका, पूरा प्रॉपर 110 पे चला था, कभी कभार 110-111 चल जाता है, पर 120 नहीं था और 140 तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोग का ये थर्ड ऑल डे खड़गपुर KGP। रुक जा यार, लग गया भाई साहब, ये एकदम आगे वाला साइड में रुकेगा, यानी पीछे वाले में नहीं था। अगर पीछे रुकता तो हम लोग को इस जगह पे खाने पीने का सुविधा मिल जाता। एज यूजली जो प्रॉब्लम मैंने फेस करता हूँ आगे रहने का वो यही है भाई साहब, देखो कुछ भी नहीं है, नथिंग। चलो यार थोड़ा पीछे चले, कुछ मिल जाए तो काफ़ी अच्छा, नहीं मिला तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। खड़गपुर KJP कोड है। इस ट्रेन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें पैंट्री का नहीं है भाई, आप खाना लेके आओ तो अच्छा है, अदरवाइज ही कैटरिंग ऑर्डर कर लो, तो अपना कुछ यहीं से जुगाड़ पानी ले लेते हैं। मैंने फिर 10 का नोट गिरा दिया, इतना बेकार हुआ, पर्स में रखता नहीं हूँ पैसा, फिर से 10 गिरा दिया। चलो यार किसी को मिला होगा, अच्छा ही होगा, खुश हुआ होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये फोर्थ लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो भाई साहब ये 4 नंबर है, तो इसके पीछे और एक ट्रेन खड़ा होता है वो 3 नंबर है, समझ लो इसी प्लेटफॉर्म पे, तो एक ही प्लेटफॉर्म का 2 नंबर दिया गया, आप उससे समझ जाओ। मैंने आइडिया से बोला 3 नंबर है और मेरा G14 है। चलो चलते हैं भाई साहब। अब देखो भाई पॉइंट पे आते हैं भाई, सीधा सवाल, मैं गरीब रथ इतना क्यों इसका तारीफ़ कर रहा हूँ। ऑफकोर्स कंजेस्टेड है, लोग बोलेगा क्या पागल हो गया यार, कंजेस्टेड में कौन पसंद करता है, पर प्राइस भाई 600 रुपये में पूरी कोई ख़राब डील नहीं है, जहाँ पे आपको नियर अबाउट कितना देना पड़ता है यार, उसमें हावड़ा पूरी एक्सप्रेस में 880 रुपये देना पड़ता है, उसमें 600 रुपये, तो समझ में आ रहा है। एक आदमी पे नहीं समझ में आएगा, अगर आप अपना फैमिली मेम्बर टोटल नंबर ऑफ 10 मेम्बर्स लेके जाओ भाई, तब समझ में आएगा आप कितना सेव कर ले रहे हो। अगर मैं गलत कैलकुलेशन नहीं है तो आप करीब 2800 रुपये सेव करोगे वन वे में, अगर आप गरीब रथ से जाते हो। ऑफकोर्स ये कंजस्टेड है भाई साहब, ये बात तो स्वीकार करता हूँ, पर एटलीस्ट AC तो है यार। तो ये जो गवर्नमेंट का एक पहले का तो बुद्धि था ना, कि वो लोगों के लिए सोचते थे, पर अभी ऐसा नहीं। आप देखो 3-tier इकोनॉमी है, वो बंद हो रहा है, बंद हो रहा है मतलब क्या, वो कोच रहेगा पर उसके लिए आपको किराया पूरा 3-tier का देना पड़ेगा। तो जैसे वो हावड़ा पूरी है, उसका आपको 3-tier के लिए 880 देना पड़ता है, काफ़ी कम्फर्टेबल। और जो 3-tier इकोनॉमी है कुछ काइंड ऑफ इसी के तरह है, बस इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है उसका, उसका 815 देना पड़ता है। अब क्या होगा कि वो बंद है भाई, 880 पे करो, आपके नसीब में आया तो वो कुछ मिल जाएगा 3-tier इकोनॉमी, नहीं आया तो आप इंजॉय करके जाओ। तो ये जो आपका पहले कुछ पैसा बसा था गवर्नमेंट, वो भी बंद कर देगा। अब देखो भाई, अब बहुत तारीफ हो गया भाई, अब हम और तारीफ़ नहीं करने वाले गवर्नमेंट का या रेलवे का, जो फैक्ट है सीधा आपके सामने रखना है, तो आप समझ जाओ क्या हाल है भाई। स्लीपर तो खत्म हो ही चुका ऑलमोस्ट भाई, कोरोमंडल एग्जांपल है भाई साहब, पहले उसमें शायद 9 या 10 स्लीपर था, आप कमेंट करके बताओ आपको मालूम है जब ICF में कितना था उस समय। अभी के टाइम पर शायद आई थिंक मेरा कैलकुलेशन गलत है, वो सिर्फ 6 है बस भाई, तो समझ जाओ हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। सो अरे भाई साहब ये क्या था यार, हम लोग पुरुषोत्तम को ओवरटेक किए। अरे भाई साहब ये तो मेरे को एकदम हजम नहीं हो रहा यार कि हम लोग पुरुषोत्तम को ओवरटेक किए हैं।
इसका डिटेल वॉशरूम टूर दिखा दे रहा हूँ। ये इसका वॉशरूम, एक यहाँ पे टैप है, लिक्विड सोप है भाई साहब, आई थिंक है ना भाई, साला है ही नहीं यार इसमें, क्या बात है यार, इन्होंने भरा ही नहीं है, तो इसमें लिक्विड सोप नहीं है। आप सोप पेपर लेके आइए या कंप्लेंट कर देता हूँ, वापिस भर देंगे ये लोग। और नीचे बस ये इंडियन है, ACF में आपको फैन मिलता है एंड आई नो इट्स वर्किंग। और यहाँ पर फ्लस ऐसा इसका, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है भाई। अगर उसके बाद भी लोग फ्लस नहीं करें तो भाई देश कभी सुधर ही नहीं सकता है भाई साहब। तो भाई बालेश्वर आ गए हैं, उड़ीसा में आपका स्वागत है। मैं मस्त सोया हुआ था यार, मस्त मतलब भयंकर सो रहा था, और यहाँ लग रहा है जैसे बारिश हुआ है। 12:01 पे अराइवल था, 12:03 पे डिपार्चर था, 2 मिनट का हॉल्ट है। और भाई देखो हम लोग कितना पे आ गए, हम लोग बिफोर टाइम थे, ऑलमोस्ट 2 मिनट पहले ऑल ले लो, मतलब हम लोग यहाँ पे नियर अबाउट 11:55 पर आ गए, तो बहुत अच्छा रन था यार। मैं बैठे बैठे सो रहा था, मतलब बैठ कर बस सोया हुआ था, इतना मस्त नींद आ रहा ना भाई, एक तो कम्फर्टेबल सीट, ऊपर से ट्रेन भयंकर हिल रहा है, एक अलग फील आ गया इसका। दूसरा चीज़ क्या बोला था, यहाँ से पास में चांदीपुर बीच है, आप जा सकते हो टैक्सी लेके और घूमने के लिए भी जा सकते हो। बिल्कुल सोने देते भाई साहब, हम भी चलें सोने, मिलते हैं सीधा आपसे, कहाँ मिलेंगे भाई साहब, भुवनेश्वर में मिलते हैं। तो भैया खुर्दा रोड जंक्शन आ गए हैं, बस अराइव कर रहे हैं, 3:30 पर अराइवल था यहाँ पर। आप देख लो हम लोग कितना पर जा रहे हैं, मोटा मोटी हम लोग यहाँ पर आपको 4:07 पर आ रहे हैं। तो जी हाँ, गाड़ी 42 के आसपास डिले है, बट इट्स ओके, मेरे लिए अच्छा है कि मैं एटलीस्ट मैं ये जगह और कवर कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जब 3:25 पर उठा, मैं देखा गाड़ी रुका हुआ, तो मैं सो गया। ये जो सोया भाई, मैं अब भी जा कर उठाऊँ, समझ जाओ यार। तो ये बात तो सच है कि ये आपके साथ होता है क्या, अलार्म लगा कर सोए और देखो आप उठ रहे हो सीधे 1 घंटे बाद, ऐसा होता है क्या आपके साथ? मैंने तो कई बार 2-3 घंटे बाद उठाऊँ भाई अलार्म लगाने के बाद। तो 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, क्या बात है यार, कोई नहीं उतरा यार, खुर्दा रोड पर उतरा है, सब पूरी जा रहे हैं इसमें यार। यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेके आगे से चले जाएंगे आपको
पूरी, और यहाँ से अगर आप कहीं सीधा निकल गए तो आप विशाखापट्टनम पहुँच जाओगे। तो बस यही है भाई साहब, खुर्दा रोड जंक्शन KUR कोड है। मज़ा आ रहा है भाई साहब, अब अच्छा लग रहा है। 3:30 पर अराइवल था, 3:35 पर डिपार्चर था। अगर इसका हॉल्ट में अगर काउंट करूँ तो इसका हॉल्ट कुछ ऐसा है भाई साहब, शालीमार, सांतरागाछी, खड़गपुर, बालेश्वर, उसके बाद फिर भद्रक, फिर जाजपुर के नाजर रोड, फिर कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड एंड देन पूरी। तो ख़राब नहीं है यार, बहुत बढ़िया है। और ये है बस भाई साहब, थोड़ी देर में अब गाड़ी निकलेगा यहाँ से। अब भाई अगर इसको पहले ही खोलना था तो उसको ओवरटेक हो गया। ठीक है चलो यार, यहाँ 3 लाइन था भुवनेश्वर से लेकर खुर्दा रोड मैंने देखा था, तो उसी के लिए श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस है। ये भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है भाई, डेली है ये आपको। ये तो जैसे बाई वीकली है, ये आपको सिर्फ मंगलवार और थर्सडे को है 12881। पर वही 12882 जो है वहाँ से मंडे और वेडनेसडे को है। तो बस यही है, मतलब वो मंडे को चलता है, ट्यूसडे को आता है, फिर ट्यूसडे को चलता है ये, वेडनेसडे को पहुँचता है, फिर वेडनेसडे को खुलता है, फिर थर्सडे को आता है। तो ऐसा कुछ उसका स्कीम है। ठीक है, पर वो डेली है गाड़ी, तो उसको बहुत लोग प्रीफर करते हैं, बहुत लोग मतलब बहुत ही लोग। इसमें फर्स्ट एसी भी लग गया, पूरा H1 है भाई साहब। कभी लेने का इच्छा हुआ तो करेंगे, फिर समय सब कुछ अच्छा रहा तो। अरे रोना धोना नहीं कर यार, सच बता रहे भाई। तुम लोग मतलब दिन का 5 मिनट लगा के कोई इंस्टाग्राम में पूछ ले भैया नेक्स्ट व्लॉग कौन सा आएगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है यार। 24 घंटा का 5 मिनट भी दे रहे हो या 5 सेकंड भी दे रहे हो तो बहुत मैटर करता ना, इसलिए पहले ही बता देता हूँ कि भैया ऐसा ऐसा बात है। इक्वार की गाड़ी है ये भी, इक्वार की है। वाह जैसे ये भाई, ये मिलता ही नहीं अब तो ब्लू कोचेस कहीं पर भी। हम लोग यहाँ ऑलमोस्ट 20 मिनट डिले पहुँचे हैं, और ये हाल होता है भाई ICF में। ICF का तो एक प्रॉब्लम है भाई, ठंड होता है तो एकदम पूरा चिल्ड हो जाता है, एक्यूरेट नहीं है एलएच भी जैसा, ये बात तो सच है। पर ठीक है, प्राइस के हिसाब से एट लास्ट मैं यही बोलूँगा कि ठीक है, फाइनली जाके अब खाली हुआ, अब अच्छे से इंटीरियर दिखा सकता हूँ। दैट्स इट, यही है सबसे बड़ा जो मेरा साइड में डिले है, ये यहाँ तक आता है भाई साहब। तो ठीक है, कोई ख़राबी नहीं है। इस तरफ में आपको एक मिरर है, एक चार्जिंग सॉकेट इतने लोग के लिए। वैसे एक और बात था, देखो यार इस तरफ में 3 लोग को बैठने का है, इसी तरफ में 4 लोग बैठने पर, उसके ऊपर 4 लोग यहाँ बैठे। तो ये थोड़ा सा रेलवे का मेरे ख्याल से मिसकैलकुलेशन है भाई साहब, यहाँ पे 4 यहाँ 3 ही, किस तरीके का भेदभाव है। ठीक है, ओवरऑल ख़राब एक्सपीरियंस मेरा था नहीं यार, जैसा भी था अच्छा था। अब टाइम है हाथ में तो चलते हैं मंदिर घूम के आते हैं, अगर अंदर जाने मिला दैट्स ग्रेट, नहीं मिला कोई बात नहीं, भगवान तो गया हूँ पहले भी दर्शन किया, बाहर से दर्शन करके निकल लूँगा। और हाइट देख रहे हो भाई प्लेटफॉर्म का, कितना ऊंचा है यार भाई, कितना ऊंचा, कहीं है तो है ही नहीं, और जहाँ है तो इतना ऊंचा भाई। देखो सीधा पास है, कॉन्क्लूजन कहता हूँ, प्राइस के मामले में ठीक है, चिल्ड भयंकर होता है, भयंकर मतलब तबीयत खराब हो जाएगा यार समझो। और ये जो ऑयल का स्मेल आ रहा है ना यूजी से यार, अच्छा लग रहा है यार। और ये देखो भाई साहब, पैंट तो उठा, ओ भाई साहब ये जो फील होता है ना, ये एक भयंकर फील होता है। 22500 WAV4 का कमाल देखा मैंने पूरा ओवरऑल जर्नी में। ठीक है यार, मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप स्लीपर का प्रोग्राम बना रहे हैं, गर्म का टाइम आ रहा है, तो आप इसमें ट्रैवल कर सकते हो। मैं यही बोलूँगा, गवर्नमेंट से अनुरोध करूँगा कि यार याद रखिए कि देश में अधिकतर आबादी गरीब है, तो उसके हिसाब से सोचना होगा, तो अपने हिसाब से नहीं। ठीक है, कन्फ्यूज़ हो गया भाई साहब, इसका एग्जिट पहले वहाँ से था,
अब यहाँ से दे दिया इन लोगों ने। और आपको तो मालूम है पूरी स्टेशन का रिमॉडलिंग का हुआ है ना भाई साहब, इसलिए इतना सब बंद बंद कर दिया गया, तोड़ा फाड़ा देखो आप, यहाँ काम चालू भी हो गया। तो इस चीज़ के लिए मैं तारीफ़ कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा सजावट कर रहा है, पर यार मेरा मानना है कि नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़ाइए, नंबर ऑफ़ जनरल कोच बढ़ाइए, स्लीपर बढ़ाइए, जिससे कि लोग एटलीस्ट आराम से ट्रैवल कर पाए। और मेरा यही अब मोटिव रहेगा हर व्लॉग में, ऑलमोस्ट मैं यही बोलूँगा। पूरा एकदम नक्शा चेंज कर दिया इन लोगों ने यार, पहले स्टेशन का एंट्री यहाँ से था भाई साहब, अब इन लोगों ने पूरा पूरा का आपको आप समझ रहे हो, आप वहाँ से एंट्री ले रहे हो और वहाँ से आपको जाना पड़ेगा पूरी स्टेशन। ठीक है कोई बात नहीं, चलो व्लॉग एंड करते हैं भाई। कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद ये पूरी स्टेशन बहुत खूबसूरत दिखने वाला है, आप देख लो ये जगह बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा पूरा पीछे का पीछे। आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, यही मैं बोलूँगा क्योंकि ये बहुत मैटर करता है मेरे लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर, इफ़ यू लव्ड इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मासलमा, मा टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, माय लवली फ्रेंड, जस्ट डू इट। मैंने ये लाइन दोबारा बोला क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एडियोस अमिगो, सब अखेर बाबा। तिरंगा कितना खूबसूरत दिख रहा है यार, यही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यही इंपॉर्टेंट है। नेता है आपके कारण, आप नेता के कारण नहीं हो। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग। भाई गाड़ी पूरा 110 पे चल रहा है यार, और ये जो ट्रेन हिल रहा है भाई, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है भाई मेरा ICF का।